सावन के महीनों में शिव भक्त के आराधना में जुटे रह रहे हैं श्रद्धालुओं के अलावा एक ऐसी जगह भी है जहां कर्म के आधार पर हर व्यक्ति को समाज से अलग अलग कर कारावास जाना होता है, लेकिन उसी कारावास में धार्मिक सम्मेलन भाव का वातावरण निर्मित हो तो फिर क्या अंतर महसूस हो सकेगा। हम बात कर रहे हैं कटनी जेल की, जहाँ जेल अधीक्षक लीना कोस्टा जो समय समय पर जेल में कैदियों के लिए शिविर का आयोजन करती रहती हैं, तो वहीं सावन के दूसरे सोमवार के शिवलिंग का निर्माण कार्य करवा कर पूरे जेल परिसर को ही धार्मिक भाव विभोर कर शिवमयी रंग में रंग दिया है। सर्वप्रथम तो मैं इधर उपस्थित धर्म प्रांगण में सभी लोगों को श्रावण सोमवार की शुभकामनाएं प्रसिद्ध करता हूँ। मैं और मैडम जेल अधीक्षक लीना कोस्टा महोदय हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि कैदियों को अपने घर से वंचित है, कोई प्रतिशोध की भावना रखता है, कोई उत्कुंठित है, उनका मन और मस्तिष्क कैसे पवित्र हो, उनके विचार कैसे पवित्र हो, इस दृष्टिगत होकर के हम लोगों ने एक दिवसीय पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन रखा हुआ है। इसी संस्कृति के हिसाब से जो श्रावण का जो मास है बहुत ही पवित्र माना जाता है और तरह तरह पूरे शहर में और सारी जगह शंकर जी का अभिषेक किया जाता है, तो इसी मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि आज जेल प्रांगण को ही भक्तिमय बनाया